हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये कुछ पॉट मैं लेकर आई हूं। और ये पॉट लाने का मकसद यही है कि जो प्लांट मैं बहुत छोटे छोटे से ला के एक बार लगाई थी, उसका फुल वीडियो भी दिखाया था मैंने, बिल्कुल गुच्छे में लेकर आई थी, काफ़ी सस्ते मिल गए थे मुझे। तो आप देख सकते हैं, एक में ये डहलिया लगा हुआ है और एक में पिटूनिया है, जो कि काफ़ी सुंदर प्लांट होता है। तो आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं, डहलिया का और कैलेंडुला का प्लांट है, जो कि मैं आज पॉट में शिफ्ट करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारी करनी पड़ी। सुबह ये मिट्टी मैंने निकाल के रख दिया था और आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने ये बालू मिट्टी है, थोड़ा सा मैंने निकाला है छिलनी से छान के, ताकि ये साफ़ सुथरी रहे और इसमें कोई फंगल ना हो, इसीलिए धूप में मैंने सुबह ही छोड़ दिया था। और इसमें मैंने भूसी मिलाई है, राइस खस्क मतलब, और ये पॉट मैंने थोड़ा सा आधा आधा इसमें डाल दिया है। और मैं सोच रही थी कि ये थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ तो इसमें फ्लावरिंग भी होने लगे अच्छी, और अब फ्लावरिंग का टाइम हो रहा है, अगर मैं शिफ्ट नहीं करूँगी, ये गिलास में लगे हुए हैं डिस्पोजल के, तो बहुत दिक्कत होगी, ये ग्रोथ नहीं करेंगे, फ्लावरिंग नहीं करेंगे, तो इनको शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस समय सीज़न है इनका, विंटर सीज़न वाले ये प्लांट है, और डहलिया भी विंटर सीज़न का ही है, हल्का विंटर सीज़न का, तो इस समय इनको शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पॉट मैंने बहुत सस्ते वाले लिया है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, लेकिन इनके लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि इन प्लांटों को छोटे पॉट में ही लगाया जाता है। ये कैलेंडुला का है और इसमें फ्लावरिंग बहुत ही प्यारे प्यारे से खिलते हैं, अलग अलग कलर के हैं। और ये डहलिया है, बहुत छोटे छोटे में गुच्छे में लेकर आई थी, ये वही प्लांट हैं जिनकी ग्रोथ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी हुई है। तो ये थोड़ा सा देखिए, बालू मिट्टी मैंने लिया है, इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन बनानी है, तो इसमें मैंने अभी गार्डन सॉइल नहीं मिलाया है, इसमें सबसे पहले मिलाऊँगी मैं भूसी थोड़ा सा, मतलब राइस खस्क, फिर इसको मैं गार्डन सॉइल थोड़ा सा मिलाऊंगी, उसके बाद में इसको देखती हूँ क्या करना है। आप लोग जो है, आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप अगर इस तरह प्लांट तैयार करते हो, गुच्छे में ला के छोटे से पॉट में लगाते हो, अगर इस इतने बड़े हो गए हैं तो आप लोग अब उसको गमले में शिफ्ट करिए, और गमला बहुत बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि ये कैलेंडुला का जो प्लांट होता है, ये सैलो पॉट में लगाया जाता है, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग दोस्तों होती है, और डहलिया का तो आप जानते ही कितनी सुंदर फ्लावरिंग होती है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास इतने ही पॉट हैं और मैं इनको जा रही हूँ शिफ्ट करने, तो वही मैं सोच रही थी कि आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को कुछ नॉलेज मिले। तो ये मिट्टी मैंने अलग थोड़ी सी निकाल लिया है, और ये मिट्टी मिक्स है, मतलब गार्डन सॉइल ये है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पत्ती वत्ती है, क्योंकि ये गमले की निकली हुई है, तो ये इस तरह है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसको मिला लूँ इसमें, उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी तब मैं लगाऊंगी। तो चलिए देखते हैं मिट्टी में क्या क्या मिलाते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले मिलाएंगे हम राइस खस्क, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ये देखिए, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से इस तरह से, पूरी मिट्टी को मिला लेंगे, ने मिला दिया है। अब ये देख सकते हैं, ये बोन मील है, लमसम दो चम्मच है, और ये DAP है दो चम्मच, लमसम छोटा दो चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है आपको, और एक मुट्ठी इस तरह भर के आपको पोटास डालना है। अगर मिट्टी ज़्यादा है, गमले ज़्यादा हैं, तो आप आधी मुट्ठी और ले सकते हैं, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है उसी हिसाब से मिलाना है। चम्मच से अगर डाल रहे हैं तो दो चम्मच भर के दीजिए अच्छे से, क्योंकि ये खाद जो है फ्लावरिंग प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अब इसको मैं मिला लूँगी और थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं गार्डन सॉइल, जो हमारे गार्डन की सॉइल है, थोड़ा सा मिला देंगे इस तरह से, जो मिट्टी मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ वही मिलाना है इसमें, तो इस तरह से मिला देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, इस तरह से मिला लेंगे, देख सकते हैं ये मिल गई है पूरी तरीके से, और मिट्टी भी काफ़ी अच्छी तैयार हो गई है, और ये बिल्कुल बंद नहीं रही है, देखो इस तरह मुट्ठी बांध के आपको देख लेना है, एकदम भुरभुरी मिट्टी बनानी है ताकि इनकी रूट्स जो डेवलप हों वो अच्छे तरीके से हों,
तो चलिए मैं निकालती हूँ प्लांट और एक एक शिफ्ट करती हूँ। तो ये पॉट है, इसमें मैंने नीचे थोड़ा दरदरा, जो छोटे छोटे इस तरह के पत्थर होते हैं या गिट्टी, थोड़ा छोटा दरदरा चीज़ कोई भी डाल दीजिए, गिट्टी डाल दीजिए, राइस क्रस्ट डाल दीजिए, कुछ भी जो भी आपके पास हो। तो चलिए भरते हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा। तो इस पॉट में इसको भरेंगे, पहले थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि मैंने पहले भी डाल दिया है इस तरह से, आपको भर लेना है, थोड़ा खाली रखना है ताकि प्लांट हम अच्छे से लगा सकें। इतना इतना लमसम भर लेना है और जो कुछ ऊपर दिखे प्लास्टिक का या कोई चीज़ तो वो हटा देना है। तो इतना इतना आपको भर लेना, ये देखिए निशान लगा हुआ, इतना भर लेना ताकि मैं मिट्टी बाद में भी छोड़ सकूँ। तो चलिए मैं सारे पॉट भर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए सारे पॉट भर चुके हैं, किसी में थोड़ा ज़्यादा हो गया है, किसी में कम, तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए प्लांट निकालते हैं। ये तो पहले पानी डाल दीजिए, पानी से मिट्टी सेट हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पानी ही डालती हूँ इसमें। देते पानी। तो पानी डालने से मिट्टी सेट हो जाएगी, एयर पॉकेट भी बंद हो जाएगा, उसके बाद में छेद करके लगा देंगे। तो अच्छे से पानी दे देना इस तरह से ताकि नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए। इस तरह से पानी दे देना है सारे गमलों को। अगर मिट्टी कम होनी होगी तो हो जाएगी, ताकि बाद में भी आप छोड़ सको मिट्टी। जितने लग जाएंगे उतने लगा देंगे, फिर देखेंगे पॉट फिर से लाएंगे। इस तरह से डाल देना है ताकि मिट्टी में पानी अच्छी तरीके से नीचे तक चला जाए। इस तरह से डाल देना है। तो ये देखिए मिट्टी बैठ गई है। अगर मिट्टी आपको कम लग रही हो तो आप फिर से डाल सकते हैं। और ये मेरे प्लांट रखे हुए हैं, तो चलिए एक एक निकालते हैं और लगाते हैं। तो करना क्या आपको सबसे पहले वो मैं बताती हूँ। तो ये सबसे पहले मैं ये शिफ्ट करूँगी, लेकिन मैं दो प्लांट एक ही में लगाऊँगी, मैं सिंगल प्लांट नहीं लगाऊँगी क्योंकि ये बहुत पतला है और मुझे दो प्लांट एक में लगाएंगे थोड़ा घना निकलेगा। तो इस तरह से एक डंडी लेकर आपको इस तरह से मिट्टी फैला लेनी है, अंदर देखिए छेद कर लेना है इस तरह से, और इसको हल्की सी मिट्टी तोड़ देना है किनारे किनारे की, और इसको चुपचाप ऐसे रख देना है। इसी तरह दूसरा भी हम निकालेंगे ताकि एक में दो शिफ्ट हो जाए। इसकी जड़ें बहुत, ये देखिए हो गई हैं, तो दो हमको शिफ्ट करना है। तो हम इसको इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि दोनों प्लांट हमारे सेट हो जाएं। अब इसको दो से ज़्यादा नहीं लगाना दोस्तों, क्योंकि सिंगल लगाएंगे ना तो फिर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। और इस तरह से दबा देना है। आपको मिट्टी आपको रख लेना अपने पास, ताकि जो है अगर मिट्टी कम लगे तो थोड़ा किनारे किनारे ऐसे डाल देना है। इस तरह से शिफ्ट कर देना है। ये देखिए अभी अच्छी तरीके से फैलेगा भी, इसकी रूट्स भी फैलेंगी। और ये हो गया। अब मैं दूसरा भी ऐसे ही शिफ्ट करूँगी, पहले इस तरह से फैला लूँगी इसकी मिट्टी जो भी है, और बहुत आसानी से हो जाता है। या तो खुरपी आप ले लीजिए अगर आपके पास हो, मेरी है तो रखी है कहीं, अब ढूँढूँगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा जो है वैसा है, घना है, तो इसको मैं सिंगल ही कर दूंगी इस तरह से। और इसमें कली भी बनने लगी है अंदर, इसको मैं सिंगल करूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी इतना घना है, और ज़्यादा ये डेवलप हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। इस तरह से मिट्टी डाल देना है। इस तरह से ये देखिए शिफ्ट हो गया। अब ये देखिए ये पतला है और ये भी पतला है, तो इसको भी थोड़ा सा इसको दबाएंगे ग्लास को, तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। इस तरह से निकाल के इन दोनों को मैं एक ही में लगाऊंगी, इस तरह रख दूंगी और मिट्टी डाल दूंगी ऊपर से, क्योंकि इसमें मिट्टी वैसे भी कम है
ऐसे दे देना है। अगर मिट्टी तब भी कम लग रही हो तो थोड़ी सी और दे दीजिए। हाँ तो चलिए मैं सारे प्लांट इसी तरह लगा लेती हूँ, आपको इसी तरह लगाना। और देख लीजिएगा कोई पत्ता पानी से टच ना हो, ये पानी से टच होता है इसीलिए मैंने इसको तोड़ दिया है। तो नीचे के पत्ते थोड़े हटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। बस आपको ध्यान रखना अच्छे से मिट्टी में उतना ही पार्ट दबाइए जितना मिट्टी में दबा हुआ था, और थोड़ी मिट्टी अच्छे से डाल दीजिए इसके आसपास। हाँ तो दोस्तों इसी तरह मैं ये प्लांट भी शिफ्ट कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने सारे प्लांट लगा दिए हैं, और मैंने कैलेंडोला के 5 गमलों में लगाया है, 5 में मैंने डहलिया लगाया है ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके और इसमें फ्लावरिंग हो सके, क्योंकि इस सीज़न में इसमें फ्लावरिंग होती है। और डहलिया के प्लांट देखिए कितने छोटे छोटे मैं लाई थी, आपको फुल वीडियो इसका देखना है कि मैं कितने छोटे छोटे प्लांट लाई थी जब मैंने लगाया था इनको डिस्पोजल के ग्लास में, और तब मैंने आपको दिखाया भी था, उसका फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी हो सके कि आप इतने छोटे से प्लांट को भी लगा सकते हो। और एक बात मैं बता दूं, मैंने खाद इसलिए दे दिया है क्योंकि ये फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं और ये अब ग्रोथ अच्छी करेंगे, फ्लावरिंग भी अच्छी करेंगे। आपको इसमें पानी देना है, अब देना है, जब लगा देते हैं तब भी पानी देना है और मिट्टी जब भरते हैं तब भी पानी, वो पानी मिट्टी सेट करने के लिए और अब प्लांट सेट करने के लिए पानी देंगे। तो पानी दे के आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ सुबह मॉर्निंग की हल्की सनलाइट इसको मिले, लेकिन सनलाइट ज़रूर मिले, ऐसी जगह रखना है, पूरा शेडी एरिया में नहीं रखना है, फुल धूप में भी नहीं रखना क्योंकि इस समय धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और अभी विंटर सीज़न शुरू हुआ है। तो धीमे धीमे इसमें देखिएगा फ्लावरिंग कितनी अच्छी होगी। तो आइएगा और एक बात और बता दूं आप लोगों को, अब जब इसको इस तरह शिफ्ट कर देंगे तब इसमें अभी कोई खाद नहीं देना है क्योंकि मैंने पहले दे दिया है, और कोई भी फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। तो आप लोग इसी तरह जो है प्लांट तैयार कर सकते हो। नर्सरी में इस समय काफ़ी महंगे मिल रहे हैं ये प्लांट, और आप छोटे गुच्छे में भी ला सकते हो, बस थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। एक बार लगा दीजिए तो बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, और बस थोड़ा पानी का ध्यान देना पड़ता है। आप हर तरीके से प्लांट तैयार कर सकते हो, फ्री के प्लांट। तो आपने देखा था 15 रुपये के गुच्छे, 10 रुपये के गुच्छे, 5 रुपये के गुच्छे में लाई थी, और उनसे मैंने इतने सारे प्लांट तैयार किए, और भी बहुत सारे लगे हुए हैं। ये देखो डहलिया का भी इसमें बहुत सारा बच भी गया है। अब मैं पॉट लाऊंगी, फिर से लगाऊंगी, फिर से आपको दिखाऊंगी। और हाँ इसमें पानी भी डालना है तो मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ क्योंकि मिट्टी में पहले मैंने पानी डाला था, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी दे देना है ताकि रात भर में ये सेट हो जाए। सब में दे देना है। और मैंने देख, आप लोग देख सकते हैं मैंने किसी में 2 और किसी में 1 ऐसे प्लांट को लगाया है क्योंकि सिंगल बहुत पतले प्लांट है इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा इसका लुक, तो मैंने 2-2 करके ही लगाया है। आप भी इसी तरह लगा सकते हैं। अब इसमें फूल खिलेंगे तभी पता चलेगा ये है किस कलर के। इस तरह से सब में पानी दे देना है। अब इसको रात भर के लिए ऐसे छोड़ देना, बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।